सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार समाज को लाकर सिंधिया की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी अपराधी कंट्रोल नहीं है। देखिए, बीच में तेजस्वी बाबू की ही सरकार आ गई थी जिसमें उन्होंने अपराधियों को सबल करने का काम किया था। वापस जेडीयू और बीजेपी की सरकार हो गई है और अब कड़ी कार्रवाई हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं होगी। ये भाजपा और जेडीयू का फिर से एक लंबे समय के बाद शासन आया है और इसमें अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होने जा रही है, आपको ये विश्वास दिला सकते। चिराग और मांझी झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर के चर्चाएं हैं और लगातार झारखंड में बैठक पे बैठक कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब इस पे मैं कल बात करूंगा। अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी जो है उचित सीट उन्हें प्राप्त करेगी झारखंड में? अब इस पे आज हमसे मत बात कराइए, मैं थोड़ा सा इसमें पार्टी से डिस्कस करने के बाद बात करूंगा। सर, एक सवाल है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता है कि नीतीश कुमार हम लोगों के सामने होते हैं तो हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, नीतीश कुमार का बिहार में काल खत्म हो गया। सब समय की बात है, समय पे बात होगी। ऐसी ये सारे जो बातें हैं ये इस समय प्रासंगिक नहीं है, आने वाले समय में इस पे बात करेंगे।